तो जोर नहीं लगाएंगे, बढ़ते हुए डाउन, छोड़ते हुए अप और लेग को सीधा कर लें। आपकी ये लेग पूरी एकदम एक्टिवेट हो गई। अब लेफ्ट लेग की बारी है, राइट हैंड से आप एड़ी के नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड से आप घुटने के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट, आंखें बंद, छोड़ते हुए राइट, भरते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए राइट, भरते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए राइट। फिर इसको फिक्स करेंगे, आप अपने लेग्स का यहां शुरू होती है, घुटने को पकड़ेंगे, लंबा गहरा सांस एंड डाउन, छोड़ते हुए अप, भरते हुए डाउन, छोड़ते हुए अप, सामने हाथ यहां, थोड़ा गर्दन पीछे, आप रिलैक्स फील करें। देखिए योग का फंडा क्या है कि जब आप सांस भरते हैं तो एक्सटेंशन होनी चाहिए और जब सांस को छोड़ें तो फ्लेक्शन होनी चाहिए, इसीलिए सब इसी का बेसिस है। और विल किया, रिलैक्स किया, फिर फील किया, दैट इज द पॉइंट। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अच्छा ये जो वज्रासन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वज्रासन क्यों इंपॉर्टेंट कहते हैं आप? खाना खाने के बाद एक ही आसन है जो हम कर सकते हैं, दैट इज वज्रासन। इसे हुए अब और ऊपर ले जाए सांस भरते हुए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, छोड़ते हुए आगे की ओर, डाउन एंड वापस, हाथ नीचे, एक आसन जिसको मंडूक आसन कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगर शुगर बढ़ेगी। अदरवाइज क्लास में कभी भी डिजीज का नाम नहीं लेना चाहिए जो साइंस कहती है, बिकॉज अगर मैं कहूंगा डायबिटीज ठीक होती है तो जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज के चक्कर में घुस जाएंगे, उनके थॉट वहां चली जाएगी। बट इससे हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एंड प्रेस 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 प्रेस, भरते हुए वापस, एक दफा दोबारा, थोड़ा दोनों हाथ थोड़े नीचे ले जाएंगे लोअर एब्डोमेन में, सांस भरें, मुंह के रास्ते ऑफ, डाउन 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 एंड प्रेस, स्टे देयर, वापस। अब हम पेट के बल लेटेंगे, हाथों को लेफ्ट हैंड नीचे, राइट उसके ऊपर, और उसके ऊपर हमारा माथा आ जाएगा, तो यहीं से हम लेट जाएंगे लाइक दिस, लेफ्ट हथेली नीचे जमीन की ओर, राइट उसके ऊपर और उसके ऊपर माथा, इसको मकर आसन कहते हैं। नीचे से पीछे से पांव को खोल दीजिए, एड़ियों को अंदर की ओर और अंगूठों को बाहर की ओर, एंड रिलैक्स। अब इसमें थोड़ी सी एक और एडवांस टेक्निक करेंगे, आप सीखेंगे जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हम नाक को अपने हाथों से बंद करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस को भरें और राइट साइड से छोड़ें, कोशिश करें हाथ को यूज करने की जरूरत नहीं, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, एंड गो ऑन डूइंग इट। रिलैक्स, एड़ी पंजे मिला लीजिए, पांव को लिटा दीजिए और अपनी कोहनियों को, अपने हाथों को फेस के दाएं बाएं, अब माथे को नीचे टच कर दीजिए, भुजंगासन करेंगे, सामने देख लीजिए अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो, ऐसे करके ये हथेलियां आपकी यहां मेरे हाथों के बिल्कुल पैरेलल, फील करिए प्रेशर कहां पड़ रहा है। आप अगर इसको एडवांस करना चाहते हैं तो आप राइट साइड को ऐसा कर सकते हैं, करके देखिए, लेफ्ट को और राइट को लाइक दिस, और फिर सेंटर में आते हुए फिर दोबारा
आपकी हथेली नीचे, उसके ऊपर दूसरी हथेली और ऊपर माथा, एंड रिलैक्स, पांव खुल जाएंगे। रूप में मान्यता मिली, ये प्रयास किया और उसमें वो सफल रहे। ये बड़ी बात है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। हमारे हमारी ये परंपरा, हमारी ये संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों ने ये योग पद्धति बनाई थी, योगा के माध्यम से स्वस्थ रहना। और अगर योग करते रहेंगे तो बीमारियां लगेंगी ही नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। अगर लग भी जाते हैं तो उनका भी समाधान योग के द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य है। और जैसे यहाँ वाहेगुरु गुरुदास साहब बता रहे थे कि अच्छी बात है, स्वास्थ्य केंद्रों में अगर ओपीडी कम हो और हम सब स्वस्थ रहें वो तभी हो सकता है जब हम योग को अपनाएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, आयोजित करने में हमारे जो हमारी तरफ से, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने जय शर्मा जी को जो जिम्मेवारी दी थी, और फिर सहयोग जो मिला हमें डॉक्टर शती जी के नेतृत्व में कर्नल प्रभात जी और अन्य सहयोगियों का, वो सराहनीय रहा। जैसा कि वाहेगुरु गुप्ता साहब ने जहाँ पर कहा कि बहुत ही भव्य दृश्य जो है वो आज हमारा जो एम्स विजयपुर जम्मू में है उसका दृश्य देखने योग्य है कि भाई सैकड़ों की तादाद में जहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो अन्य स्टाफ हैं, वो जहाँ पर योग करने के लिए आए और बहुत ही अच्छे तरीके से योग जो है हमारे रैना साहब और उनकी टीम ने जहाँ पर करवाया, और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि चंद्र प्रकाश गंगा जी ने कहा, हम सब डॉक्टर शक्ति जी आपका और आपकी टीम का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत बड़ा एक सहयोग जो है इस कार्यक्रम को सफल करने में दिया। हम आने वाले दिनों में भी योग को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ही ना मनाएं, रोजमर्रा हम योग करें और योग के माध्यम से हम स्वस्थ रहें। ये प्रेरणा हम दूसरों को भी दें ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो भी जो है वो स्वस्थ रहें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच के स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने देश को आगे जा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।